हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हम आपको साउथ इंडिया का सोल कहा जाने वाला सिटी चेन्नई के शहर कराने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। चेन्नई, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, भारत के तमिलनाडु स्टेट की राजधानी है। यहाँ का पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 1,22,90,000 है, जिसमें से हिंदू 80.73%, मुस्लिम 9.45%, क्रिश्चियन 7.72% है। यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन चेन्नई सेंट्रल है, जो 1873 में स्थापित हुआ था। तमिलनाडु का प्रमुख रेलवे हब है। यहाँ ना सिर्फ चेन्नई बल्कि पूरे दक्षिण भारत को जोड़ने वाला प्रमुख रेलवे स्टेशन है। हर रोज हजारों यात्री यहां से सफर करते हैं। अब रही बात एयरपोर्ट की, तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु का प्रमुख एयरपोर्ट है। प्रतिदिन हजारों यात्रियों को देश विदेश से जोड़ता है। 1910 में स्थापित यह एयरपोर्ट दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार है। इसके साथ साथ चेन्नई सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए मेट्रो चेन्नई के आधुनिक परिवहन नेटवर्क का हिस्सा है, जो 2016 में शुरू हुआ था। यह एयरपोर्ट को सीधा चेन्नई रेलवे स्टेशन जोड़ता है। इसके साथ साथ फ्लाईओवर ट्रेन की सुविधा भी है, जो चेन्नई के लोगों को ट्रैफिक से बचाता है। इसके अलावा चेन्नई का फूड की बात किया जाए तो यहाँ का मुख्य फूड इडली, वड़ा, सांबार, डोसा और फिल्टर कॉफी यहाँ के लोगों का दैनिक जीवन का मेन हिस्सा है। शहर के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है कपिलेश्वर मंदिर, जो हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। यह मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सेंट थॉमस चर्च भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो क्रिश्चियन धर्म के लिए पवित्र माना जाता है। चेन्नई के समुद्र तट इसकी खास पहचान है। मेरीना बीच, जो दुनिया के सबसे लंबे समुद्र तटों में से एक है, चेन्नई का सबसे प्रमुख आकर्षण केंद्र है। यह हर सुबह शाम सैकड़ों लोग समुद्र की लहरों का आनंद लेने और ताजगी भरी हवा में समय बिताने आते हैं। मरीना बीच के अलावा यहाँ पर कुछ और बीचेस हैं जहाँ लोग आनंद लेते हैं, जैसे बेसन नगर बीच, पालावाकम बीच, कोवलम बीच सिटी के अट्रैक्शन का केंद्र हैं। ये बीचेस ना केवल स्थानीय निवासियों के लिए बल्कि टूरिस्ट के लिए भी बेहद अट्रैक्शन है। तटों के किनारे लगे स्ट्रीट फूड की दुकानें और विभिन्न हैंडीक्राफ्ट की दुकानों से चेन्नई का सुंदरता और बढ़ती है। यह शहर भारत के मेजर एजुकेशन सेंटर में से एक है। चेन्नई का लिटरेसी रेट 90.18% है, यानी हर 1,000 लोगों में से 918 लोग पढ़े लिखे हैं। और यहाँ की मेन यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो IIT मद्रास, अन्ना यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। जिसके अलावा अनेक यूनिवर्सिटीज़ सिटी में मौजूद हैं। एजुकेशन के साथ साथ यह शहर भारत के प्रमुख IT हब में से एक है, और यहाँ कई इंटरनेशनल कंपनी जैसे कैपजेमिनी, बैंक ऑफ अमेरिका के साथ साथ इंडियन कंपनीज जैसे TCS, इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज स्थित है। इसके साथ ही
चेन्नई का पोर्ट भारत के सबसे बिजिएस्ट पोर्टों में से एक है, जो इसे बिजनेस विजन से भी एक प्रमुख शहर बनाता है। ये सब के साथ साथ चेन्नई साउथ इंडियन फिल्म तमिल सिनेमा का केंद्र है। कोडम्बाकम एरिया को अक्सर कॉलीवुड कहा जाता है। यहाँ की फिल्मों का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी प्रभाव है। तमिल फिल्मों के सितारे जैसे रजनीकांत जी, कमल हासन जी चेन्नई के सांस्कृतिक प्रतीक बन चुके हैं। अब आते हैं खेल की ओर। चेन्नई का खेल प्रेम भी प्रसिद्ध है। यह शहर क्रिकेट के लिए अपने गहरे जुनून के लिए जाना जाता है। पीएम चिदंबरम स्टेडियम, जिसे चेपाक के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदानों में से एक है। यहाँ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैचों के दौरान स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह देखने लायक है। इसके अलावा चेन्नई में टूरिस्ट प्लेसेस हैं मेरीना बीच, विवेकानंद हाउस, लाइट हाउस, थॉमस चर्च, कपिलेश्वर टेंपल, गोल्डन बीच, स्नो किंगडम, मरीन किंगडम, महाबलीपुरम, क्वींसलैंड, वंडर वर्ल्ड जैसी अनेक स्थान हैं। होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।